माई सिली सिस्टर। मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। इसमें क्या होता है, इसमें ये मदर है, इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल। तो ये बॉय अपनी मदर से कहता है कि मदर, आपकी जो बेबी है वो बहुत सिली है। सिली मतलब होता है जो इमेच्योर हरकतें करते हैं। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, मतलब जो बेवकूफ़ से होते हैं ना थोड़े, मतलब जिनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, जिन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं होता है, वो उसे कहते हैं सिली, इमेच्योर। तो वो कहता है कि वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, एकदम बच्चों की तरह। शी डज़ नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। उसको तो डिफरेंस अंतर भी नहीं पता है किसके बीच में, जो स्ट्रीट में, जो गलियों में, जो रोड्स पे जो लाइट जलती हैं उनमें, और जो स्टार्स जो रात में तारे टिमटिमाते हैं ना उसमें, जो अंतर ही नहीं पता है। तो व्हेन वी प्ले विद पेबल्स शी थिंक्स दे आर रियल फूड, शी इवन ट्राइज टू पुट देम इन टू हर माउथ। वो कहता है कि जब हम पेबल्स मतलब पत्थर से, जब कंकड़ पत्थर से जब हम खेलते हैं, तो कभी कभी वो सोचती है कि वो असली का फूड है, रियल फूड है। और वो क्या करती है, शी इवन ट्राइज टू पुट देम इन टू हर माउथ, वो उन पत्थरों को अपने मुँह में लेने की भी कोशिश करती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the page with her hands and roars with joy at nothing. जब मैं उसकी उसको उसकी बुक ओपन करता हूँ, when I open a book, है ना, जब मैं उसकी बुक ओपन करता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ कि चलो पढ़ो आके ABC मतलब अल्फ़ाबेट्स पढ़ो आके, तो वो क्या करती है, she tears the page, वो पेजेस को फाड़ देती है। देखो दिख रहा है ना, पेजेस को फाड़ दिया with her hands अपने हाथों से, और फिर roars with joy, और फिर खूब जोर से चिल्लाती है खुश होके कि कुछ मतलब हुआ ही नहीं है। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स, क्या ये तुम आपके बेबी का तरीका है अपने चैप्टर्स को पढ़ने का? ऐसे कौन पढ़ता है, वो बॉय अपनी मदर से उस बेबी की कंप्लेंट करता है। अब देखो फिर आगे क्या होता है, व्हेन आई शेक माई हेड एट हर एंगर एंड स्कोल्ड हर फॉर कॉल और कॉल हर नॉटी, शी लाफ्स एंड थिंक्स इट इज़ ग्रेट फन। जब मैं अपना सर हिला के उसे डांटता हूँ, एट हर इन एंगर, गुस्से में देखता हूँ, डांटता हूँ, स्कोल्ड हर, स्कोल्ड मतलब होता है डांटता हूँ, या फिर उसको नॉटी कहता हूँ, बदमाश कहता हूँ, तो शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन। वो हंसती है, वो सोचती है कि ये बहुत मज़ा आ रहा है कि ऐसा करने में, तो भैया ऐसा कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो हंसती है। एवरीबडी नोज़ दैट फादर इज़ अवे, सबको पता है कि पापा जो है अभी दूर हैं हमसे, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, बट कभी कभी ना जब मैं खेलता हूँ तो मैं कभी बोलता हूँ पापा, फादर, पापा, ऐसे करके। तो वो क्या करती है, शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर। तो वो जल्दी से एक्साइटेड होकर ना इधर उधर देखती है कि जैसे सच में ही पापा यहाँ आ गए हों। तो उसे तो इतना भी नहीं पता, तो वो बॉय कहता है कि इसको तो इतना भी नहीं पता कि फादर यहाँ पे है ही नहीं, बट उसे लगता है कि जैसे ही मैं पापा के नाम लेता हूँ तो वो कि उसे लगता है कि पापा यहाँ आ गए। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज दैट आर वॉशरमैन brings to carry the old dirty clothes. कभी कभी मैं क्या करता हूँ, क्लास लेता हूँ, क्या कैसे, जैसे कि वॉशरमैन जब अपने डोंकी को लेके आता है ना, जैसे गंदे कपड़े लेने के लिए जब वॉशरमैन आता है तो अपने डोंकी को लेके आता है, तो मैं उस टाइम पे उसको वॉर्न करता हूँ। आई वॉर्न हर दैट आई एम हर स्कूल, आई एम द स्कूल मास्टर एंड शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़। और तब मैं उसे बोलता हूँ कि तुम सोचो कि मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ, सर हूँ तुम्हारा, और तब तुम्हें एक भी ज़रा भी आवाज़ नहीं निकालनी है, सिर्फ तभी वो शांत बैठती है, ओनली देन शी कीप्स क्वाइट। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ और अब तुम्हें आवाज़ नहीं निकालनी है, तभी वो सिर्फ शांत बैठती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दादा बोले, दादा मतलब बड़े भाई को कहते हैं दादा। एंड योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फनी, मम्मा आपकी बेबी ऐसी है कि वो मून को पकड़ना चाहती है, चांद को पकड़ना चाहती है। मदर, योर बेबी इज़ सिली, वो एकदम बेवकूफ़ है, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, एकदम बच्चों वाली हरकतें करती है वो। अब इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, तो पहला वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब होता है एकदम सिली, इमेच्योर, है ना, उनको कहते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं बिल्कुल, जो ना सही गलत का अंतर नहीं पता होता है। पेबल मतलब होते हैं छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स। डोंकी मतलब कि एनिमल होता है ये तो। डर्टी मतलब गंदा, अनक्लीन। एंगर मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री। एक्साइटमेंट होता है मतलब लाइवली, चीयरफुल, एकदम खुशी से। प्लेफुल मतलब भी वही मतलब जब आप खेलने का मन करता है तो उस टाइम पे आप प्लेफुल वाले मूड में होते हो। नॉटी मतलब होता है जब बैडली कोई बच्चा बिहेव करता है तो उसे कहते हैं नॉटी, बैडली बिहेवियर। वॉशरमैन होता है जो धोबी, जो कपड़े धोते हैं ना, वन हु वॉशेस क्लोथ्स, है ना।
तो वो होते हैं धोबी, बट ऐसा नहीं, इन वॉशरमैन कहा जाता है जो पैसों के लिए कपड़े धोते हैं, जैसे ये काम होता है आप मतलब उनको पे करते हैं, वो आपके कपड़े धोते हैं, उसके लिए पे करा जाता है उन्हें, तो वो होता है वॉशरमैन। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लेते हैं। वाई वॉट डज़ द बेबी डू विद द पेबल्स, बेबी पेबल्स के साथ क्या करता है, तो बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इन टू हर माउथ, वो पेबल्स को अपने मुँह में लेने की कोशिश करता है ना। नेक्स्ट है वॉट डज द बेबी डू विद द बुक, बुक के साथ क्या करता है बेबी, तो बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स विद हर हैंड्स, वो बुक्स के पेजेस जो हैं उनको टीयर कर देता है, फाड़ देता है अपने हैंड्स से। When does the baby laugh? कब हंसती है बेबी, तो बेबी कब हंसता है, द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर शेक्स हिज हेड एट हर इन एंगर, जब वो गुस्से से उससे डांट रहा होता है उसका भाई, तब उस टाइम पे बेबी को लगता है कि ये तो बहुत फनी चीज़ हो रही है, तो वो हंसती है उस टाइम। What does the washerman brings? Why does the washerman bring donkeys? तो donkey लेके क्यों आता है, तो washerman brings donkey to carry away the dirty clothes, dirty clothes को वो साथ में किस पे रख के लेके जाएगा, donkey पे रख के लेके जाएगा, इसीलिए वो donkey को साथ में लेके आता है। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स देख सकते हैं कि हाँ कैसे लिखना है उसे। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, तो ये आपको बताने हैं, इसमें कुछ वर्ड लेटर्स मिसिंग है तो बताने हैं आपको पूरा वो क्या है, तो SI-Y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल एल्स, सिली, सिली होता है ना, तो वर्ड्स स्टोरी में से ही कुछ वर्ड्स हैं तो आपको ये पूरा फिल करना है उसको, तो पहला वर्ड था सिली। नेक्स्ट वर्ड ये क्या लग रहा है आपको, तो ये पेबल्स है, PE डबल बी, देखो एल लिखा हुआ है पहले से और ई और लिखना है, ई एस, तो हो गया पेबल्स। नेक्स्ट है STR, सिंगल डैश है और फिर ETS, तो ये स्ट्रीट्स हो गया, स्ट्रीट्स। नेक्स्ट है SOLD, तो ये स्कोल्ड हो गया। नेक्स्ट है LE-ONS, तो ये लेसन्स हो गया है ना पार्ट। नेक्स्ट है नॉटी, ये तो देख के दिख रहा है कि नॉटी, NAUGHTY। नेक्स्ट है EXC-T-M-NT, तो ये क्या है, एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, यू गेट एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है D-NKY, तो ये क्या दिख रहा है, डोंकी, तो ओ और ई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गए आपके वर्ड्स। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड्स बताने हैं कि जिनका मीनिंग ना सेम सेम सा हो स्टोरीज़ में, तो हमने पढ़ा था कि फुलिश मतलब बेवकूफ़ क्या होता है, सिली को भी कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सिली, SILLY। नेक्स्ट है स्टोन्स, स्टोन्स हमने क्या पढ़ा था, तो ये होते हैं पेबल्स, PEBBLES पेबल्स। मिसचीवियस पढ़ा था हमने, मतलब जो शैतानी करते हैं ना वो उनको कहते हैं बैड बिहेवियर, तो वो नॉटी भी कहा जाता है उनको। नेक्स्ट है फैच, फैच मतलब होता है कैरी, पकड़ना, तो ये हो गया कैरी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि चिल्ड्रन, दे और बेल, ये तीन वर्ड्स आपको इनमें फिल करने हैं, तो द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो कौन प्ले कर रहे होंगे, तो यहाँ लिख दोगे आप चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे ही तो खेल रहे होंगे। नेक्स्ट है डैश आर हैप्पी, वो खुश हैं, कौन खुश हैं, तो लिखोगे यहाँ पे दे आर हैप्पी। अब आपने चिल्ड्रन पहले लिख दिया तो दोबारा से चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे वहाँ पे, तो आप उनके लिए बोलेंगे ना, तो उन्हें वो खुश हैं, तो वो इंग्लिश होता है दे, तो दे आर हैप्पी। नेक्स्ट होगा द डैश, सॉरी द डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, वो लोग खेल रहे हैं क्या, तो आप दोबारा से वहाँ पे लिखोगे ना वो लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे आप दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, द डैश हैज़ रंग, अब एकदम से क्या बच गई, बेल बच गई, तो बेल हैज़ रंग, इट्स टाइम फॉर लेसन्स, अब बेल बच गई तो अब किसका टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो ऐसे करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वन चाइल्ड, एक बच्चा होता है तो उसको तो चाइल्ड कहते हैं, और जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वी से चिल्ड्रन, है ना, मेनी चिल्ड्रन, तो याद रहे कि चिल्ड्रन लिखना है CHILDREN, इसके आगे एस नहीं लगाना, सिर्फ चिल्ड्रन लिखना है। वन फॉक्स, अब जब बहुत सारे फॉक्स होते हैं तो फॉक्सेस हो जाएगा, FOXES फॉक्सेस हो जाएगा। वन डक और मेनी डक्स हो जाएगा, DUCKS डक्स हो जाएगा। वन गूज एंड मेनी गूज का प्लूरल जो होता है गीज, वन गूज एंड मेनी गीज, ओके। नेक्स्ट है अब आपको फुल ऐड करना है, द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में द चिल्ड्रन आर प्लेफुल। अब देखो उसके आगे ना आपको हिंट देने के लिए प्ले लिखा हुआ था, तो बस आपको फुल ऐड करना था। द फ्लावर्स आर, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल जब हम बनाते हैं ना तो उसमें वाई हट के आई लग जाएगा यहाँ पे, तो BEAUTIFUL ऐसे बन जाएगा, TY मत लिख देना गलती से भी। नेक्स्ट है यूज़फुल,
तो यूज़फुल के आगे तो USEFUL लिख देना है बस। द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, अब देखो यहाँ पे दोबारा से वाई दिख रहा है लास्ट में, तो वाई हट के क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा और FUL लग जाएगा, PLENTI और FUL फुल। ओके तो ये हो गया। नेक्स्ट है अब आपको LY ऐड करना है, तो द न्यू शूज़ आर लव के आगे LY ऐड कर दो तो लवली, LOVELY लवली। नेक्स्ट है ही इज़ रियल और स्मार्ट, तो रियली लगाना है तो RE A, अब देखो LLY रियली स्मार्ट ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट है वी शुड ईट स्लोली, तो यहाँ पे SLOWLY स्लोली। लेट अस सिंग सॉफ्टली, तो SOFTLY सॉफ्टली हो गया। नेक्स्ट है ISH ऐड करना है, तो गर्ल इज़ ऑलवेज क्राइंग शी इज़, तो चाइल्ड के आगे ISH ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डिश, CHILDISH शी इज़ चाइल्डिश। नेक्स्ट है आई स्लेप्ट ऑन अ बनाना पील एंड आई फील, और मुझे मैं बनाना पील के ऊपर चढ़ गया और मुझे कैसे लगा, फुलिश, तो FOOLISH, तो ये हो गया फुलिश। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ बेबी के आगे ISH लगाना है, तो बेबी आप देखो तो इसमें BABY भी लगेगा और फिर उसके आगे ISH लगेगा, बेबीश। ओके नेक्स्ट है लेट्स राइट, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, आप कैसे अपनी फैमिली में हेल्प करते हो तो वो आपको लिखना है। तो आप लिखोगे आई हेल्प मदर एट होम, मैं अपनी मदर की कहाँ पे हेल्प करता हूँ, एट होम अपने घर में अपनी मदर की हेल्प करता हूँ या करती हूँ। आई हेल्प फादर, आप अपने फादर की कैसे हेल्प कर सकते हो, अरेंजिंग डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ अरेंज करने में है ना, या फिर पुटिंग थिंग्स या फिर क्लीनिंग ऐसे कभी कभी, तो डस्टिंग ऐसे आप लिख सकते हो। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन, मैं अपने भाई की किस में हेल्प करता हूँ, होमवर्क में, जैसे आप कभी होमवर्क में हेल्प करते हो तो लिख दोगे आई हेल्प इन हिज होमवर्क। नेक्स्ट है आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विद, सिस्टर के साथ कैसे हेल्प करता हूँ, सिस्टर के साथ भी मार्केट जाने में हेल्प कर देता हूँ या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्लीनिंग रूम या फिर उसके भी होमवर्क में हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट है आई डू डैश इन द हाउस, तो आप क्या करते हो, आई डू आप घर में आप क्या कर सकते करते हो या फिर क्या नहीं कर सकते हो, नहीं करने के लिए ना तो डू नॉट लिख देना और फिर आगे अपना जो भी नहीं करते हो वो लिख देना, या फिर आप जो करते हो जैसे आई डू क्लीन हाउस, तो आई डू कीप माई हाउस क्लीन है ना, तो आई डू कीप क्लीन इन द हाउस है ना, मैं अपने घर को साफ रखता हूँ, साफ रखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है से अलाउड, तो आपको ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, डोंकी सिस्टर मंकी मदर टर्की फादर।